बहुत अच्छा लग रहा है, ये सॉलेम मोमेंट है, लेकिन ये खुशी का मोमेंट है क्योंकि डैड हमेशा चाहते थे, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग थे और वो चाहते हैं कि हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें, हम रोएं नहीं, आंसू नहीं बहाएं उनके लिए इस वक्त, और ही वॉज फॉरवर्ड थिंकिंग. तो आई एम हैप्पी दैट यू आर ऑल हियर. और उनको मीडिया से बहुत लगाव था हमेशा के लिए, एक खास जगह थी उनके दिल में मीडिया के लिए हमेशा, और वो हमेशा हमें कहा करते थे मीडिया को कभी मत रोको, जो आए सीधे मेरे कमरे में लेके आओ. तो हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे और हम भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करते. मैंने उनसे वो बहुत सारी बातें सुनी थी जो टॉम साहब ने मेंशन की और जिनका जिक्र उन्होंने किया. यस बिल्कुल, वो इतने जोशीले थे कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म प्लान कर रहे थे. हम वापस इंडिया आने वाले थे, उन्होंने कहा कि जल्दी वापस जाते हैं और फिल्म शुरू करते हैं. उनकी स्क्रिप्ट तैयार थी और हम लोकेशंस देखने वाले थे लंदन में, बहुत खूबसूरत लोकेशंस देखने वाले थे और वो बहुत जोश में थे और बहुत बढ़िया फिल्म बनाने जा रहे थे. वो डैड जो हैं वो रीमेक्स से डरते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी फिल्में रीमेक हों, बिकॉज उनके मन में कोई भी उनके रोल्स कर नहीं सकता था जैसे उन्होंने किए थे. इन हिज माइंड नो वन कुड डू दोज, कुड एनैक्ट दोज रोल्स द वे ही डेड. तो वो कभी उनकी फिल्मों को रीमेक होते हुए देख नहीं सकते.